उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसे हैं, उनके अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना जरूरी कर दिया गया है। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी। आपको बता दें कि यूपी में कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाते हैं। पहले कुछ विभागों में 58 साल भी उम्र थी। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभागाध्यक्षों को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मच गया। दरअसल इस आदेश में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नाम पर विचार करेगी। ये आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है तो बार बार स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उनके नाम को पुनः रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो जिस पद पर हैं उसके लिए उपयोगी हैं, जिनका प्रदर्शन बेहतर है, अपने काम को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, साथ ही जिन कर्मचारियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और जिस कर्मचारियों पर कोई जांच ना हो रही हो, उन्हें सेफ माना जाएगा। यही नहीं, यूपी के अलावा दिल्ली सरकार में भी निष्क्रिय सरकारी कर्मचारी समय से पहले जबरन रिटायर किए जाएंगे। भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद उपराज्यपाल ने अब ये निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा रिपोर्ट देने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का